अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? सबके ठीक ठाक हैं? तो आज हम आपको बताएंगे रीजन पॉलिश जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी पर होती है वो तकरीबन कैसे होती है, उसका क्या प्रोसेस होता है, ये तकरीबन काम यहाँ पॉलिश के लिए आया हुआ है रेडी होने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इसको हमने डाला है 4 से 5 मिनट तेजाब में ताकि जो इसके ऊपर कुछ लगा हुआ हो तो वो क्लीन हो जाए। ठीक है, ब्रास जो ये मटेरियल है उसकी ये ज्वेलरी है, तो ये हो गई क्लीन। यहाँ पर अब हम इसको करेंगे ब्रश से साफ, और ये जैसे ब्रश से और साफ होगा तो और क्लीन हो जाएगा। अब ये लगेगा स्टील प्लेटिंग मशीन में जो तकरीबन 30 से 40 मिनट ये या मशीन में लगा रहेगा, उसके बाद ये हो जाएगा स्टील पॉलिश। ये हो गया है यहाँ स्टील पॉलिश और रेडी हो गया स्टील पॉलिश पे। अब ये प्रोसेस पे जाएगा सिल्वर प्लेटिंग के, तो वो अभी आपको दिखाते हैं। ये अब आ गया है सिल्वर प्लेटिंग पे, तो एक साइड पे है सिल्वर चांदी लगी हुई है, दूसरी तरफ ये ज्वेलरी लगी हुई है, तो वहाँ से चांदी यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गई। ये हो गया है सिल्वर प्लेटिंग, जो स्टील हुआ था वो अब हो गया है सिल्वर जी। ये मशीन है अब यहाँ गोल्डन करने की, जो सिल्वर हुई है ज्वेलरी वो अब गोल्डन होगी। ठीक है, अब ये रेडी हो रहे हैं इसके केमिकल वगैरह, तो दिखाते हैं आप। अब ये लग रहा है गोल्डन होने के लिए। ठीक है, तो तकरीबन जो काम सिल्वर हुआ था वो तकरीबन अब गोल्डन होगा, और 30 सेकेंड खाली ये मशीन में लगेगा, फिर इसके बाद हो जाएगा गोल्डन। ये हो गया है गोल्डन, तो अब ये यहाँ से निकलेगा, अब दूसरा और लगेगा इसके अंदर। अब ये और लग रहा है इसके अंदर गोल्डन पे, तो ये भी लगेगा 30 सेकंड के लिए। ठीक है, पाकिस्तानियों की खूबी ये है कि सेफ्टी वगैरह कुछ अबे भी नहीं साले, होती है। ये हो गया है सब गोल्डन हो गया है। ठीक है, अभी ये जाएगा हीटिंग प्रोसेस में। हीट ना ज्वेलरी को लगेगी हीट, और ये कलर हो जाएगा बिल्कुल गोल्ड। अभी ये ज्वेलरी को लगेगी हीट, मतलब जितना ज़्यादा ये गर्म होगा उतना ज़्यादा इसका गोल्ड कलर आएगा जी। ये हो गया है गोल्ड पॉलिश और रेडी तकरीबन। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।